नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर और फार्मिंग टेक चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि गन्ना फसल में खरपतवारों को अंकुरण से पहले ही कैसे नियंत्रित किया जाता है, लेकिन आज के वीडियो में हम जानेंगे कि गन्ना की खड़ी फसल में निकलने वाले खरपतवारों को कैसे हटाया जा सकता है। तो गन्ने की खड़ी फसल में निकले खरपतवारों को हटाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि उसे हाथ से ही निकाला जाए या उखाड़ा जाए। लेकिन गन्ना की खड़ी फसल में ट्रैक्टर संचालित या बेल चालित औजारों से जुताई द्वारा भी खरपतवारों को कम किया जा सकता है, या फिर आखिरी उपाय के रूप में खरपतवारनाशी रसायनों का प्रयोग भी किया जा सकता है। गन्ना की खड़ी फसल में बुआई से 30 दिन, 60 दिन और 90 दिनों पर निराई गुड़ाई करके खरपतवारों को हटाना बहुत ही प्रभावशाली खरपतवार नियंत्रण प्रणाली मानी जाती है। गन्ने की फसल में अंतः जुताई करके खरपतवारों को हटाना ही सबसे सस्ता उपाय है, लेकिन इस विधि में गन्ना फसल की पंक्तियों यानी लाइन में निकले हुए खरपतवारों को निकालना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। तो जैविक तरीकों से खेती करने वाले किसानों के लिए यही बेस्ट तरीका है कि पहले गन्ने की फसल में ट्रैक्टर या बेल चालित औजारों से जुताई की जाए और बाद में गन्ना की लाइन में बचे खरपतवारों को हाथ से ही निकाला जाए। अब गन्ना की खड़ी फसल में खरपतवारों को हटाने के लिए रासायनिक विधि की बात करें तो खरपतवार नियंत्रण के लिए पट्टों द्वारा अवशोषित खरपतवार नाशियों का प्रयोग में लिया जा सकता है, जिसके लिए 2,4-D खरपतवार नाशी को प्रयोग में लिया जा सकता है, जो चौड़ी पट्टी वाले सभी प्रकार के खरपतवारों को नियंत्रित कर सकता है। यूं तो 2,4-D की मात्रा खरपतवार कैसे और कितनी मात्रा में निकले है उसके हिसाब से तय की जाती है। 1 किलो से लेकर 2.5 किलो को प्रयोग में लिया जा सकता है, या फिर गन्ने की लाइन के बीच वाली जगहों में निकले खरपतवारों के लिए ग्लाइफोसेट और पैराक्वाट भी प्रयोग में ले सकते हैं, जो इसके संपर्क में आने वाले हर प्रकार के खरपतवारों को नाश कर देता है। इन दवाइयों का प्रयोग गन्ना को छोड़कर सिर्फ बीच वाली जगहों पर निकले खरपतवारों के ऊपर ही किया जाना चाहिए, वरना गन्ना को भी नुकसान हो सकता है। यानी ऐसी दवाइयों को गन्ना पर न गिराते हुए बीच वाली जगहों में सिर्फ खरपतवारों के ऊपर ही प्रयोग किया जाना चाहिए। मगर ध्यान रखिए कि इन रसायनों का प्रयोग जितनी कम से कम मात्रा में हो सके उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि इससे फसलों की बढ़वार पे और मिट्टी की उर्वरा शक्ति पे बहुत बुरा असर पड़ता है। तो गन्ने की खड़ी फसल में निकले खरपतवारों को हटाने का सबसे आसान तरीका तो यही है कि खरपतवारों को हाथ से ही निकाला जाए। मैं भी एक किसान हूँ तो इतना तो जानता हूँ कि खरपतवारों को हाथ से निकालने में बहुत ज़्यादा मेहनत और टाइम लगता है, पर हमारे लिए यही तरीका बेस्ट है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि खरपतवारों को काबू में रखने के लिए आप कौन कौन से तरीके अपनाते हैं और कौन सा तरीका बेस्ट है। आशा है कि यह जानकारी आपको पसंद आएगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाइए। जय किसान, जय हिंद।